All right. So, time now to call upon stage. मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ अक्षय कुमार जी को. तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं. और मैं Y4D यूथ फॉर डेवलपमेंट के सह सचिव अभिषेक तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ ये पौधा देकर अक्षय जी का यहाँ पर स्वागत करें, उन्हें नवाजे. इस पौधे का स्वीकार करने की दरख्वास्त. बहुत बहुत शुक्रिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम नाउ टू लॉन्च द लोगो अलॉन्ग विद अक्षय जी. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट मिस्टर मुनीर मर्चेंट ऑफ आगा खान फाउंडेशन, मिस्टर अजीत मेनन ऑफ द अवनी फाउंडेशन एंड प्रफुल्ल निकम ऑफ Y4D टू काइंडली जॉइन इन फॉर लॉन्चिंग द लोगो. You can see is the logo of New India Conclave. Thank you so much for doing us the honors. The rest may take their seats in the audience while I request Akshay ji to please take your seat on the dais. Devi aur Sajjano, aaj hamare beech kuch aisi hastiyan maujood hain जिन्होंने ग्रामीण भारत को विकसित करने में गांवों में परिवर्तन लाने हेतु अपना अनमोल योगदान दिया है. न्यू इंडिया के साथ जैसे रियल लाइफ हीरो जुड़े हुए हैं, उसी तरह रियल लाइफ हीरोज भी जुड़े हुए हैं. सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जबानी, लेकिन उनसे बातचीत करने हमारा बड़ा भाग्य है अक्षय जी यहाँ पर मौजूद है. सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ राधे श्याम गोमला जी. हरियाणा में गोमला आदर्श ग्राम की निर्मिति इन्होंने की है. एक छोटा सा वीडियो देखेंगे. राधे श्याम गोमला हरियाणा के महेंद्रगढ़ एवं रेवाड़ी जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के विषय में प्रशिक्षण देने वाले एक कामयाब सरपंच के रूप में जाने जाते हैं. उनके द्वारा किए गए विकास के कारण उनका गांव गोमला विश्व भर में मशहूर है, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन ने उन्हें पुरस्कृत भी किया है. उनके ग्रामीण विकास के मॉडल का अभ्यास करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने उनके गांव का दौरा भी किया है. नमस्कार, हमारे साथ हैं राधे श्याम गोमला जी. सबसे पहले तो मैं बात करने से पहले, मुझे अभी दो चार इंटरव्यू दे रहा था बाहर, तो हमेशा की तरह एक आदमी, मतलब कई लोगों ने ये पूछा कि मैं इस कार्य के साथ क्यों जुड़ा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ. तो मैं देखिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि गांव क्या होता है. गांव जहाँ से हम सब कुछ, मतलब मेरे पिताजी गांव से थे. आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग हैं वो गांव से होंगे या उनके पिताजी गांव से होंगे. नहीं होंगे तो उनके पिताजी के पिताजी ज़रूर गांव से होंगे, जहाँ से हमें कल्चर मिलता है, हमारी संस्कृति मिलती है. तो मैं सोचता हूँ गांव जो है वो हमारा पिता है, शहर जो है वो उनका बेटा है. तो बेटे का काम ये है कि गाँव के, कि पिता के काम आना, पिता की सेवा करना. तो आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं पिता की सेवा करना चाहता हूं. सो साथ में यह भी कहूंगा, आज मैं इतने लोगों से मिला. कहते हैं कि जीनियसेस, मतलब सुना है जीनियसेस कम फ्रॉम सिटीज. मैं समझता हूं जीनियसेस कम फ्रॉम सिटीज, बट जीनियसेस ऑल्सो कम फ्रॉम विलेजेस. आई थिंक मोर पीपल कम फ्रॉम विलेज. आज मैं आप लोगों से जिनको मैं मिलाऊंगा वो जीनियस है. गोमला जी, मैं
सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि बताएं कि आपने क्या किया है। वो माइक आपके पास। सबसे पहले तो मैं मेरी छोटी बहन सुविता सालनी जी का आभारी हूँ कि मुझे मेरे आदर्श अक्षय कुमार जी के दर्शन करवाने का मौका दिया। यहाँ उपस्थित सभी प्रभुजनों को नमस्कार करते हुए, और भी पोपटराव पवार जी भी बैठे हैं, इन्होंने भी देश में अच्छा नाम कमाया है, और भी तीन चार हस्तियाँ हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अक्षय कुमार जी, करने के नाम पर मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है वो मेरे गांव ने किया है। बस मैंने थोड़ी मेरी जिम्मेदारी एक नेतृत्व के रूप में निभाई थी। मैं 2005 में मेरे गांव का सरपंच बना था, उससे पहले गांव की स्थिति बहुत खराब चल रही थी। गांव में ना पानी निकलने की व्यवस्था थी, ना बच्चों का पढ़ाई का स्तर, ना टॉयलेट थे, ना टॉयलेट तो ना मात्र को भी जी नहीं बिल्कुल थे। मैंने पूरा पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप इन सबको बताएं कि आपने क्या क्या किया, चेंजेस कैसे लाए, और मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि सर आपका जो ये जो आपने कार्य किया है, ये क्या पूरे देश में लागू हो सकता है? यस सर, और मेरे से अच्छे ढंग से हो सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ चार आदमी पांच आदमी इस क्षेत्र में काम करने वाले भी बैठे हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि गांव की डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक गांव के लोगों की उसमें सहभागिता ना हो। गांव की विकास में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आमतौर पर जो गांव की राजनीति है वो प्रॉब्लम पैदा करती है। कुछ जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए गांव के नेतृत्व का या गांव के एसेट्स का दुरुपयोग करते हैं, वो दिक्कतें पैदा करते हैं। अगर नेतृत्व इन दिक्कतों को ध्यान में रख के और उसका समाधान करे, लोगों को साथ रखे, क्योंकि सहभागिता के बगैर संभावना दूर दूर तक नहीं है विकास की, तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जो गोमला में करने का प्रयास किया, उसमें कंप्लीट विकट परिस्थितियाँ थी। जब मैं गांव का सरपंच बना तो विधायक भी मेरे विरोध में थे, एमपी भी मेरे विरोध में थे, वो सत्तारूढ़ सरकार में थे तो उनके प्रेशर में, क्योंकि नेताओं के प्रेशर में हमेशा प्रशासन रहता है, तो वो जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी उनके दबाव में मेरे विरोध में थे। और उस हालात में जो गांव ने मिल के हम सब ने काम किया, तो वो एक अलग से हटके बात बन गई। हमने जो गांव पानी घर से बाहर निकल नहीं रहा था, यानी जो गली से दूर नहीं जा रहा था एक घर से दूसरे घर तक, आज उस गांव में आप जाएं, 2005 से आज तक वो बात बराबर चल रही है। आप पूरे गांव में घूम के आएंगे तो एक बैकेट कीचड़ भी आप ले आए तो मुंह मांगा इनाम देंगे। सर आज भी स्थिति है। आपने शराब के माफिया से लड़े भी, तो आपको डर नहीं लगा कि सर इस पर है? मैं आप मुझे पता है आप हरियाणा से हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। आपका आभार, क्योंकि आप भी तो उसी भूमि से जुड़े हुए हैं। हरियाणा और पंजाब पहले एक महा पंजाब के रूप में होता था, तो हम और आप तो एक ही जमीन से जुड़े हुए हैं। वैसे डरता हिंदुस्तान में कोई नहीं है, हरियाणा पंजाब थोड़ा सा इसलिए कि वो थोड़ी सी जो मन की बात है वो बिना लाग लपेट के खुली कहते हैं, उनमें झिझक नहीं होती है बस। बाकी पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा है, आप तो सारी सारी दुनिया को जान रहे हैं। जिस वक्त मैं सरपंच बना, सबसे बड़ी बात आती गांव में वो लिक्वर माफिया की। उस लड़के का बड़ा इतना टेरर था गांव में, गांव में शराब बनाता और नेपाल तक उसकी शराब जाती थी जी। अच्छा। वहां से सोना लाता था, नकली नोटों की तस्करी करता था। आप अंदाजा लगाइए कि वो किस स्तर का व्यक्ति होगा। उसका चाचा गांव का मुखिया होता था। तो एक बात तो, हालांकि ये सार्वजनिक तौर से कहते हुए थोड़ा झिझक रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर आप सराफत का काम करेंगे तो वो लोग इस बात को तो स्वीकार करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सराफत को तोड़ के ही तो वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो
ऐसे हालात में जैसे आप अंग्रेजी जानते हैं, मैं हिंदी जानता हूँ, तो अगर मैंने मेरे संवाद के मेरे भावनाओं को आप तक प्रेषित करना होगा तो या तो मैं अंग्रेजी समझूं या आप हिंदी समझें, तभी एक दूसरे का आदान प्रदान हो सकता है। तो अंग्रेजी भाषा जो जानता है उसके साथ अंग्रेजी तो प्रयोग करनी पड़ती है। मैं 2005 में गांव का सरपंच बना और 2008 तक मैं अच्छे आदमी के रूप में नहीं रहा क्योंकि वो जो 2008 तक का दौर था उसको अब आपने उस रूप को छोड़ दिया सर, वो तो 2008 में तिलाने ली बस ठीक है। तो आप एक बात बताइए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक दलित महिला को सरपंच बनाया। हाँ, ये 2010 की बात थी। तो ये तो बहुत कमाल की बात है और गांव वालों ने उसे स्वीकार भी किया। उसका कारण था सर, रिजर्वेशन की जो भारत में व्यवस्था है उसके तहत मेरे गांव में मेरे टर्म के पश्चात महिला SC रिजर्वेशन आ गई थी। अब चूंकि 5 साल मैंने काम किया तो उसमें 3 साल मेरे संघर्ष में गुजर गए, सही रूप में तो मैंने 2 साल में ही काम किया था लोगों की सहभागिता का, तो 3 साल तो अकेले संघर्ष करता रहा था उनके साथ लड़ते लड़ते। अब उस काम को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि अगर आपने कोई काम किया और मेंटेन नहीं रखा है तो आपका किया धरा सब बेकार है। उसको मेंटेन रखने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बराबर है उसी विचारधारा को लेकर चलता रहे। तो मेरी पंचायत में जो महिला पंच थी उन्हीं को गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करके दोबारा सरपंच बनवाया और फिर 5 साल लगातार बड़े अच्छे से काम चला। सर मैंने आपकी पूरे अभी पढ़ रहा हूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि नाउ नोबडी सेल्स वाइन एंड डजंट ड्रिंक ओपनली ऑन स्ट्रीट्स, वाइन प्रोडक्शन स्ट्रिक्टली बैंड, स्ट्रीट्स आर एनक्रोचमेंट फ्री, बिल्ड विद पेवमेंट्स टाइल्स एंड कॉन्क्रीट, वाइड ओपन क्लीन एंड डस्ट मड फ्री। Because of awareness spread, now girl-child ratio is greater than boys. There are 2 beautiful parks there. Every home have latrine. Village is open defecation free. Villagers make sure their children go to school and youth are getting skilled technically and doing jobs. The farmers are using new techniques in the field. There's an open air theater. Yes. In ke gaon mein. Computer center. Where the children learn the computer education without any charge. There are many toilets and dustbin facilities in village street. You cannot get a bucket of mud in the streets of whole village. Yes. I think this man needs a standing ovation. Thank you very much. Sorry. थैंक यू सो वेरी मच। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमान पिपलांत्री को हरित तथा आदर्श ग्राम में उन्होंने परिवर्तित किया है। एक वीडियो देखते हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनके बारे में मेरी वाइफ ने भी अपने किताब पे लिखा है इनके गांव के बारे में। फॉर द लास्ट मैं बस थोड़ा चीज़ें पढ़ना चाहूँगा कि इनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती है तो करीबन 111 पेड़ गांव में कहीं भी लगा सकते हैं और वो पेड़ उस बच्ची को बिलोंग करते हैं। और जब वो पेड़ बढ़ता है उसके अंदर आम लगे, आंवला लगे, बहुत सारे जो फल फ्रूट जो भी होते हैं दैट बिलोंग्स टू द गर्ल, और वो फल फ्रूट जो है वो उसकी पढ़ाई के काम में आएगा। मतलब श्याम सुंदर जी, आपको ये आइडिया आया कहां से, आप ये जीनियस बने कैसे? नमस्ते।
मैं 2005 में मेरा गांव का सरपंच बना था, तब मुझे लगा कि सीसी सड़कें, सामुदायिक भवन, ये सब सरकार के काम में करती रहेगी, सरपंच की जिम्मेदारी कुछ और है। मेरे गांव का वन्य जीव कैसे बचे, मेरे गांव में हरित क्रांति कैसे आए, और लोगों को प्रकृति आधारित रोजगार कैसे मिले, कब तक हम धरती माता के गर्भ में केमिकल डालते रहेंगे, गांव की गरीब विधवा विकलांग कमजोर लोगों को भी रोजगार कैसे मिले, इस पर मैंने काम शुरू किया। और सबसे पहले मैंने मेरे गांव की एससी एसटी या जनरल महिला को एक साथ बिठाने का काम किया, और सबसे पहले एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाकर वेबसाइट बनाई कि इस तरह से भी पंचायत राज होती है। और उस पीरियड में मेरी बेटी का नाम था किरण, तो उसकी डेथ हो गई, तो गांव में सब लोग किसी व्यापारी को अपने दुकान पर ले जाते हैं 12 दिन के बाद, किसान को अपने खेतों में ले जाते हैं, भाई 12 दिन हो गया और अब आपको अपने काम धंधे पर जाना है। तो मुझे भी मेरे गांव वाले मेरे खेतों में ले गए और मुझे पंचायत में ले जाके बिठाया कि आप सरपंच हो, आपका काम कीजिए, बहुत हो गया, बहुत दुख हुआ आपको। तो मुझे लगा कि मेरे गांव के जितने भी लोग उस कार्यक्रम में थे और मेरी एक बेटी के नाम पर एक पौधा लगाया, तो जितने लोग गांव के थे, महिला पुरुष, सबकी आंखों में आंसू थे। और मुझे लगा, मैंने कहा मेरी बेटी के लिए इतनी श्रद्धा लोगों के मन में, इतनी पीड़ा, क्यों नहीं इस गांव में जन्म लेने वाली हर बेटी के नाम पर ये काम करते हैं। और उस दिन मैंने तय किया और मेरे गांव के लोगों ने तय किया कि इस गांव में जो भी बेटी का जन्म होगा उसके नाम पर हम 111 पौधे लगाएंगे, और उस गरीब बेटी की, अगर गांव में कोई गरीब बेटी है, तो उसके नाम पर हम 21,000 रुपये गाँव वाले इकट्ठा करेंगे और उस बेटी के नाम पर 20 साल के लिए FD करेंगे। ये मेरे मेरी बेटी की स्मृति में किया, और आज 3,51,000 पौधे पेड़ बन रहे हैं, आम की गुठलियाँ मंगा मंगा कर हजारों की संख्या में आम उग रहे हैं, वहाँ पर शीशम, बरगद, पीपल, चंदन, इस तरह के पेड़, जहाँ पेड़ नहीं होते थे वहाँ एक नंदन वन बन गया है, और सरकार की योजनाओं से। अब मैं आपसे क्या पूछूं, आपने मतलब इतनी कमाल की चीजें बताई, मतलब आपके गांव में करीबन 60 लड़कियां साल में पैदा होती हैं। जी, तो 60 × 111। जी, और अभी अब तक आपके गांव में करीबन 2.5 लाख पेड़ लग चुके हैं, लगभग 3 लाख, 3.5 लाख पौधे लग चुके हैं। वो जो दो लड़कियां खड़ी आप देख रहे हैं, अर्जेंटीना से आई है। हाँ, और इनने एक फिल्म बनाई है पिपलांत्री के ऊपर, सिस्टर ऑफ द ट्री। अच्छा, बेटियों के नाम पर पूरी फिल्म बनी है, ऐसी कई फिल्में उस पर बनी है। बेटियों के नाम पर तो पौधे लगेंगे ही लगेंगे, गांव में किसी की डेथ हुई तो उसकी स्मृति में भी पौधे लगेंगे, कोई मेहमान आए, आप मेरे गांव में घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, तो भी आपको ये पौधा लगाना है, सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी पौधे लगते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो चीज है, अगर ये चीज जो इन्होंने बताया है, अगर सारे गांव, हमारे देश के सारे गांव, इतनी छोटी सी है और कमाल की बात है, आप इस कार्य को ये करते अगर करें, तो मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जिंदगी में सॉल्व हो जाएंगी। और इसका काम एक ही हो सकता है कि गांव के अंदर यूनिटी रहे, सब मिलके ये काम कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी मीडिया हैं, अगर इसके बारे में, इस गांव के बारे में, इसके इस इनिशिएटिव के बारे में ज़्यादा ज़ोर से लिखें तो बहुत बेहतर रहेगा। सर, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको। तो कौन कहता है कि काम करने वालों का सम्मान नहीं होता है। Something that is worth emulating in each and every village of our nation. Thank you so very much, Paliwal ji. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान पोपटराव पवार, महाराष्ट्र। सभी मानकों पर इस तरह विकसित किया कि वे आज महाराष्ट्र राज्य के आदर्श ग्राम योजना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए। हिवरे बाजार के विकास का मॉडल पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाने का जिम्मा अब उन्हें सौंपा गया है। सर, इनके बारे में इनका जो एक बयान है, वो बयान अगर आप सुने, उससे ही पता चल जाता है कि ये क्या क्या करते हैं। इनका बयान कहते हैं कि मेरे गांव में अगर आप मुझे एक भी, शो मी वन मस्कीटो एंड टेक अवे रुपीज 100,
ये इनका बयान है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भारत का पहला आदर्श गांव बनाने की प्रेरणा, आपको ये प्रेरणा कहां से मिली? जब मैं बचपन में फोरतक गांव में पढ़ाई कर रहा था, एक तो सूखा पीड़ित गांव है, बाद में 72 का ड्राउट, 78 का, 82 का। आपण मराठी मध्ये बोलूया का? तो बहुत अच्छा है, कोणाला कळायला नको। नाही नाही, हिंदी में बोलिए बोलिए बोलिए। हां, तो ये समस्या थी कि माइग्रेशन ज्यादा था, लोग गांव छोड़ के शहर जाते थे और घर घर में शराब, इसके कारण बिल्कुल खराब हालत गांव की थी। और फोर्थ के बाद जब पढ़ाई के लिए मैं बाहर गया, एम कॉम तक पढ़ाई हो गई, मैं अच्छा क्रिकेट भी खेला हूँ, नेशनल खेल खेल के आ चुका हूँ, पुणे बैट्समैन रहे, फील्डर, ऑलराउंड, बॉलिंग बैटिंग दोनों भी करता था, अच्छे जॉब भी थे, वो सब छोड़ के एक्सीडेंट गांव में चला गया। अच्छा, क्योंकि उस वक्त हिवरे बाजार एक पनिशमेंट पोस्टिंग वाला गांव था गवर्नमेंट सर्वेंट को। क्यों? क्योंकि गांव में सूखा था, पानी नहीं था, इसके कारण रोजगार नहीं था और माइग्रेशन था। और जब ये देखा तो मुझे वही प्रेरणा मिली जो बचपन में सूखे के पहले जो गांव के हालात थी। हाँ। हरे भरे पहाड़ थे, झरने का पानी हम पीने के लिए यूज करते थे, हर सीजन के फ्रूट जंगल से खाने को मिलते थे, और लोग तो गरीब थे लेकिन अगर किसके परिवार में भी किसी की मृत्यु हो गई तो दुख का बंटवारा था, शेयरिंग था, उत्सव आ गए किसी समाज मजहब के, सब लोग मिलके गांव में मनाते थे, इतना अच्छा गांव था। बाद में जो बिगड़ गया 72 के बाद, वो जब देखा तो बचपन वाला गांव निर्माण करना, ये मेरी पहली प्रेरणा रही। सर आप सरपंच हो, लोगों को सही काम करवाना और चुनावा भी, जितना ये दोनों काम आप कैसे करते हो, इसे कैसे करते हो आप? एक तो 89 में मैं सरपंच बन गया यूनानिमसी, सब ग्राम सभा में लोगों ने कहा अच्छा लिखा पढ़ा नौजवान है, कुछ तो भी करेगा, ये शुरुआत हो गई। और जब सरपंच बन गए तो मेरी माँ 10 दिन गांव छोड़ के निकल गई थी मायके, खुद का करियर देख, एक गांव की करियर के झंझट में मत फंसना। लेकिन जब सपोर्ट मिलता गया यूथ का, महिलाओं का, तब लगा नहीं है बस यही काम करना है, करियर तो गांव का बनाना है, पर्सनल खुद का नहीं है, तो राजनीति से हट के गांव में काम करना शुरू कर दिया। जब ये काम शुरू हो गया, सब लोगों ने सपोर्ट दिया, एक एक काम, एजुकेशन, हेल्थ, सभी एंगल से जब काम ऊपर आने लगा, अपोज कम हो गया और लोगों ने सपोर्ट, नहीं इतना अच्छा काम करा। तो अभी मेरी जो 5 टर्म हो गई, पहले 3 टर्म सरपंच था, फिर आरक्षण आ गया तो डिप्टी सरपंच बन गया, अभी वापस सरपंच बन गया। अभी आप आगे क्या सोच रहे हैं, आगे क्या कार्य करेंगे? नहीं, आगे कुछ नहीं करना है, इसको बढ़ावा कैसे करोगे? सांसद या विधायक बनने से ही सरपंच बन के काम करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि दिल्ली के सांसद हो, राज्यों की विधानसभा हो, सबका मकसद ये है गांव को ऊपर लाना है। हाँ। और गांव को ऊपर लाना है तो लीडरशिप पंचायत की होनी चाहिए, कन्वर्जन चाहिए सभी लाइन डिपार्टमेंट का, और कम्युनिटी का सपोर्ट हो, हर गांव आदर्श बन सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बात जो आपने बताई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पोपटराव पवार साहब। और कुछ कहना चाहेंगे आप जाने से पहले? नहीं, कि एक तो गांव बन गया आदर्श, उसी अनुभव से महाराष्ट्र में अभी 100 गांव बन रहे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे। जो विदर्भ में सबसे ज्यादा 42 फार्मर सोसाइटी, कोठोड़ा नाम का गांव है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, पिछले 3 साल में वो गांव गोद लिया, पिछले 30 साल में एक भी सुसाइड उस गांव में नहीं। तो जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मुझे भी बताइए, क्योंकि हमारे मुंबई में बड़े मस्कीटोज होते हैं, इनको कैसे मारा जाए? बिल्कुल, आपने जो संदेशा पूरे देश को दिया है वो मस्कीटो को मैं नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए उनको मारना कैसे? संदेश हर गांव में, हर गली में जाएगा और हर नेता उसका अनुकरण करेगा तो मच्छर हट सकते, बिल्कुल ये हमारा अनुभव है। अभी इतना नहीं, हम ये काम कर रहे, GDP तो बढ़ रहा, तो अभी हम हैप्पीनेस का GDP बढ़ाने का काम गांव में कर रहे हैं, क्योंकि 2030 के बाद हमारे गांव में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक और कैंसर का एक भी मरीज नहीं आना चाहिए, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफी अच्छा प्लानिंग अभी गांव में कर रहे हैं।
बहुत अच्छा सर, आपकी आंखों आंखें देख के मैं कह सकता हूँ आप मतलब कितने दिल से आप बात करते हैं, आप आपका दिल मतलब साफ पता चलता है कि ये आप एक कार्य के काम के हिसाब से नहीं कर रहे, ये आपका पैशन है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पोपटराव जी, केवळ महाराष्ट्रालाच नाही तर संपूर्ण देशाला आपला अभिमान आहे, खूप खूप धन्यवाद। आणि आय थिंक वी ऑल शुड टेक अप दिस 100 रुपी चॅलेंज, येस, स्पॉट मस्किटो गेट 100 रुपीज, लेट अस ऑल वर्क टुवर्ड्स दिस। अब हम आमंत्रित करेंगे श्रीमान वरुण सिंह जी को, जो कि बिहार के ग्रामीण कार्यकर्ता है। ये एक बैंकर रह चुके हैं, अब खेती करते हैं और बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कार्यरत है। देखते एक वीडियो। बिहार के श्री वरुण सिंह की कहानी बैंक मैनेजर से किसान बने एक प्रयोगशील इंसान की कहानी है। अपने खेत में उन्होंने वर्मिक कल्चर, डायरी, टिश्यू कल्चर जैसी अभिनव कल्पनाओं की मदद से प्रॉफिटेबल फार्मिंग का अपना मॉडल विकसित किया है। इन प्रयोगों की मदद से अपनी उत्पादकता बढ़ाकर भारत के अल्प भूधारक किसान लाभदायी खेती कर सकते हैं। इस बात पर विश्वास रखने वाले श्री शहर को स्थानीय यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी फार्मर का अवार्ड भी मिल चुका है। इनसे बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि चार पाँच दिन पहले ही मैंने इनके बारे में पढ़ा था और मैंने श्रुति मैडम को बोला कि मैं चाहता हूं कि ये यहां आए और मैं इनसे बात करूं कि सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बैंक में नौकरी करते थे और आपने बैंक की नौकरी छोड़ दी और खेतों में आ गए। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी। और प्रफुल्ल जी को, जिन्होंने कल 8 बजे सुबह में मुझे एक फ़ोन मिला कि आप वरुण जी बोल रहे हो, हम के लिए हमें वरुण जी, मैं खेतों में ही रहता हूँ फार्म पे, तो ये बोले कि जो आपको एक प्रोग्राम है उसमें बॉम्बे आना, हम के लिए ये कैसे हो सकता है जो कल प्रोग्राम है और आज मैं आ जाऊँ, मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ और एक किसान हूँ, अब तो किसान हूँ, पहले मैं मैनेजर हुआ करता था। मैं 2007 में टेलको टाउन जैसे 3 नंबर गेट जो फैक्ट्री है वहाँ ब्रांच था मेरा और वहाँ मैं मैनेजर था और उसी समय मैं पहले VRS के लिए अप्लाई। ये जो आप खेती के बारे में जो समझ रहे हैं कि मैं कैसे खेती करने लगा, मुझे शौक था। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब जब छुट्टी में आता था तो मैं अपने पिताजी, हमारे फार्मर थे उस समय 1923 में मैट्रिक, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, अंग्रेजी उनका एक लेटर में एक फुल स्टॉप हुआ करता था। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वो चिट्ठी कहते थे अंग्रेजी में लिखना और हम और वो उस चिट्ठी में कहाँ कहाँ गलती है सब जगह चिन्ह लगा कर रखे रहते थे। और जब हम छुट्टी में घर आते थे तो पहले नाश्ता वास्ता कर लिया, माँ बहुत बात पूछ ली, सारा चीज़ हो गया, उसके बाद बुलाते थे इधर आइए, तो क्या बात है बोली, तो यही पढ़ते हो, इतनी गलतियां चिट्ठी में लिखते हो। एक किसान, वो 10 किलोमीटर पैदल चलते थे तो जूता खोल करके चलते थे और अर्थमेटिक में आप सवाल करते तो वो लिखते बनाते नहीं थे सवाल, वो उसका उत्तर वो आपको बोल देते। हम 4 भाई हैं, 2 भाई US में इंजीनियर था, एक तो एक्सपायर कर गया बड़े भाई जो हमसे बड़े थे, और एक अभी प्रोफेसर है, अब वो भी रिटायर करेगा, मैं भी रिटायर तो हो ही गया हूँ। इतना बड़ा फैमिली, सभी बच्चे इंजीनियर, अमेरिका में पूरा परिवार बसा हुआ है, इतना बड़ा बैकग्राउंड है। हमारे पिताजी का किया हुआ 40 एकड़ जमीन एक जगह है जो मेरे पिताजी का किया हुआ, फिर भी मुझे बहुत ही लगाव था कि जो किसान की स्थिति है, जो यहाँ की हालत देख रहे हैं, बहुत ही बदतर हालत है। तो अब तो नौकरी 30 साल कर चुके थे, हम सोचे कि जब 30 साल नौकरी कर ही लिए तो अब हम रिटायर करके कब 2014 में जाएंगे, तब तक वह बूढ़ा हो भी गए, तब तक में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सो नहीं तो VRS ले लिया जाए। हमने VRS के लिए अप्लाई किया तो मेरा VRS टर्न डाउन हो गया,
कहा कि नहीं आपका अभी एज जो है सो थोड़ा सा 2 साल कम है, ये पूरा उस समय यही नियम था। अब तो 20 साल नौकरी करने के बाद ग्यारह से हमारे समय में यही था। उसके बाद मैंने सोचा कि ना मुझे रिजाइन ही कर देना है। उसके बाद मैंने जब रिजाइन किया तो 7 लीगल नोटिस मेरे घर पे गया, बीमारी का बहाना बना बना के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो के किसी तरह से मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ, नहीं तो मुझे डिसमिस करके हो सकता था कि जो जितना सैलरी था सारा चीज रिकवर कर लिया जाता, तो कुछ तो बहाना बनाना ही था। फिर मैं रिजाइन करके जब गया तो मैं फिर गया अपने काम में। मैं पहला चीज सोचा कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उस समय मैं बच्चा था और मेरे पिताजी थे जवान थे, तो जब गांव आता था वो कृषि का जो VLW या जो भी ऑफिसर आता था तो किसानों को कहता था कि अरे फ्री में यूरिया ले लो ना, ये चीज़ ले लो ना, कहना नहीं 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 ये खराब करता है खेत को, ये हम लोग नहीं, कोई डालता ही नहीं। अल्टीमेटली जब हम कॉलेज में गए 72 में तो उस समय में ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ही आगे बढ़ चुका था और काफ़ी प्रोडक्शन ड्यू टू दिस फर्टिलाइजर। अब आप अंदाजा करोगे कि 2 किलो 4 किलो जो फर्टिलाइजर पहले यूज होता था आज वो पर कट्ठा 35 किलो यूज होता है, उस जमीन की क्या दुर्दशा होगी और जो हमारा पॉपुलेशन है उसकी क्या हालत होगी। इतने इंसेक्टिसाइड जैसे हम लोगों का बीमारी बढ़ रहा है तो अभी 3rd generation 4th generation मेडिसिन एंटीबायोटिक चल रहा है। सर मुझे एक बात जाननी है, मैं कब से जानना चाहता हूँ कि आप जब बैंक में काम करते तो आपकी तनख्वाह कितनी थी उस वक्त? उस समय में 50+ मेरी तनख्वाह थी। तो अब जो आप खेतों में काम करते हो तो उससे ज्यादा कमा रहे हो? उससे ज्यादा हम उतना जोड़ते नहीं है, मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ और सबसे ज्यादा कि इतना सैटिस्फैक्शन इज द मेन पार्ट। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने भी अपने पैशन के पीछे गए और सैटिस्फैक्शन के लिए। सर आप बता सकते हैं आप अकेले इस कार्य में आए हैं तो आज आप कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? बहुत सारे लोगों को मैं गिन नहीं सकता हूँ, मेरे यहाँ रोज ताता लगा रहता है, लोग आते हैं देखते हैं मुझसे सवाल करते हैं, फोन पे सवाल बहुत ज्यादा फोन पे सवाल होता है, कहाँ जर्मनी से कभी कभी फोन, कभी कभी हमारा जो है सो ये रशिया का जो ये है वहाँ से आया कि जो आप पूरा अपना डिटेल भेजिए और हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो हम रशिया में जी रशिया के वो जो जहाँ पे अभी वार हो रहा है वो का सीरिया यूक्रेन से आया था। तो हम बोले कि नहीं भैया हम यहाँ देश को छोड़ करके हम जाने वाले नहीं है, हम अपने गांव का सेवा करेंगे अभी और हमारा अभी देश हमारे यहाँ अभी बहुत ही स्थिति बहुत अच्छा किसानों का नहीं है। बहुत बढ़िया सर, आपने लोग गांव छोड़ के कोशिश करते देश में मतलब सिटी में आते हैं, आप सिटी छोड़ के गांव जी में हम गए। उस सिटी में थे जहां पर मेरा ब्रांच था तो 10 बजे 200 कस्टमर टाई लगा करके खड़ा हो जाता था, 200 कस्टमर हेल्को टाउन में जो 3 नंबर गेट पर ब्रांच था वो 10 बजे में जब बैंक खुलता था तो 200 कस्टमर टाई लगा करके खड़ा हो, और मुझे ये बहुत दुख लगता था वो जब कुछ बोलता था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई 11 बजे बैग डुलाते हुए आ रहा है तो कोई 10:30 बजे बैंक में आ रहा है, तो उससे हम लड़ते थे। हमने बहुत संघर्ष किया बैंक में भी सही करने के लिए, लोगों को कहते थे कि समय पर आओ काम करो। अब किसी को कहोगे अब वो आता था काम लेकर के वो फिक्स डिपॉजिट का रिन्यूअल कराना, ए मैडम तुम थोड़ा सा कर दो ना, ए मुझे सर छुट्टी नहीं है मुझे आता ही नहीं, अरे यार तुमको नहीं आता तुम बैंक में नौकरी करते हो आता क्या है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सर आपने इतने लोगों को जाके खेतों में सिखाया, आप मैं कहता हूँ आप तो बाद में कभी हो फिर बैंक में आओ, बैंक में भी कई लोगों को सिखाने की जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत बहुत बहुत ज्यादा। इकट्ठे ही नहीं है कि कस्टमर घूम रहे हैं उससे बात करने का तमीज नहीं है लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। Inspired by success stories like this, more and more youth are opting for returning back to their villages. Akshay ji, I would like to intervene over here and would also like to inform all of you that apart from the scheduled success stories that we'll be discussing, we have many more inspiring personalities in the gathering. One such name is Chaitram Pawar. Ye Bera Pedi gaon se hain.
अपने गांव के पहले शिक्षित व्यक्ति, the first educated person from his village, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं की, he opted out of a job, और आज उनका जो गांव है, उस गांव में एक भी BPL family नहीं है, the entire village is BPL family free, below poverty line family free. बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं और अपने गांव में बैरफुट चलते हैं, लेकिन आज चूंकि मुंबई आना था तो उन्हें हमने दरख्वास्त की है, आज वो हमें दिखेंगे फुटवेयर पहन के, लेकिन अदरवाइज ही इज बैरफुट. आई इनवाइट चैत्राम पवार जी टू काइंडली नरेट हिज स्टोरी. सबको नमस्कार, विशेष करके यहाँ पोपटराव पर बैठे हैं उनको भी नमस्कार. अपना जो काम चल रहा है वो छोटा सा गांव है बारीपाड़ा करके, धुलिया डिस्ट्रिक्ट में है और डांग नासिक और धुलिया की बॉर्डर पर है और पूरा ट्राइबल है. तो ट्राइबल लोगों का क्या है कि जब बारिश की खेती समाप्त होती है तो बाहर चले जाते हैं, कहीं फैक्ट्री में जाते हैं, शुगर फैक्ट्री में जाते हैं या कहीं भी काम पर निकल जाते हैं. तो वो जो गाँव था 91 में हमने काम को शुरुआत की, उस गाँव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, शराब पीने के बहुत ज़्यादा स्थिति थी, हेल्थ में कुछ नहीं था, खेती में बिल्कुल कुछ नहीं था. तो ऐसे गांव में अगर हम विकास के बारे में बात करेंगे तो 21वीं शताब्दी में अगर ये लास्ट जो आदमी है ट्राइबल है उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सोच के हमने काम को शुरुआत की. लेकिन हमें दिशा नहीं थी क्या करना ऐसा, तभी हमें वनवासी कल्याणश्रम नाम की एक संस्था मिली कि जो पूरे देश भर में काम करते हैं, उनसे संपर्क आया और 92 में हमने प्रत्यक्ष काम को शुरुआत की. सबसे पहले हमने क्या किया कि वहाँ का जो जंगल था वो कट रहा था, अगर जंगल नष्ट हो गया तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, तो हमने वन बचाने के लिए पहले शुरुआत की. लेकिन बाद में जैसे जैसे गांव संगठित होता गया तो एक एक बिंदु आगे आते गए, तो लास्ट में हमने 5 बिंदु तय किए कि जंगल, जल, जमीन, जन और पशुधन यानी जानवर. ये 5 चीज़ें ऐसे है कि लोकल लेवल पर उपलब्ध है, इनका हम सही ढंग से अगर इस्तेमाल करते हैं तो स्थिर विकास जिसे कहते हैं वो हो सकता है. तो हमने सबसे पहले वनों का कुछ नियम बनाए कि अगर कोई पेड़ काटता है तो उसको 1,000 रुपये जुर्माना है, जो पेड़ जो जंगल राखी हुए उसमें बैलगाड़ी जाते थे उनको भी जुर्माना है, सर पे कोई मोली लाता है तो उनको भी जुर्माना है. गाँव का वॉचमैन है, सरकार आए ना आए हम हमारा काम करते रहेंगे, अगर कोई मोली लेकर जाता है तो उसको भी जुर्माना है, और जो पकड़वा देगा जो पकड़ेगा उसको भी इनाम है. ऐसा कुछ नियम बनाए, गांव का वॉचमैन है उसको मानधन गांव लोग देते हैं इकट्ठा करके, क्योंकि गवर्नमेंट का लोग तो आते हैं 8-10 दिन में और चले जाते हैं, तो गांव का जंगल है गाँव वालों ने संभालना चाहिए. वो रूल बन गया और गांव संगठित होने लगा. अगर सिर्फ जंगल बचाने से ये लोगों की समस्या नहीं हल होगी तो उनके साथ में क्या क्या कर सकते हैं, तो वन संवर्धन के साथ साथ हमने जल संवर्धन भी काम शुरू किया. पिछले 27 साल में हमने गाँव वालों ने इकट्ठा होकर श्रमदान से करीब 485 बांध बनाए, छोटे छोटे बांध है लेकिन उसमें जो मिट्टी अड़े वो बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी अड़ गए, तो उसके बारे में जो तज्ञ आते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है. तो वन संवर्धन के साथ साथ जल संवर्धन, उसके साथ में हमने खेती में सुधार करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो खेती में हमने थोड़ा प्रयास किया. लोग तो बहुत बाहर जाते थे, विस्थापित होते थे, लेकिन उनको संगठित करके खेती में हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा प्रयास किया. तो परंपरागत खेती से आज स्ट्रॉबेरी बारीपाड़ा में होती है, तो स्ट्रॉबेरी को हम मार्केट ढूंढ रहे हैं. यानी पीक पद्धति पर एक जर्मनी से प्रोफेसर आए, उन्होंने PhD पूरी की पिछले साल, और 2003 में कनाडा से एक युवक आया था, उन्होंने भी बारीपाड़ा पर स्टडी किया. तो वन संवर्धन, जल संवर्धन और खेती का विकास, अगर खेती डेवलप हो सकती है तो अपने आप लोग गांव में रुकेंगे और रोज़गार भी मिल सकता है. उसके साथ में हमें जन यानी इंसान भी अच्छे होने चाहिए, तो गाँव में से जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका संगठन बनाया, उसका कुछ समितियाँ बनाई, और समिति के माध्यम से गांव को संगठित करके हम क्या कर सकते हैं. और बाद में एक लास्ट का विषय कि गो आधारित खेती, क्योंकि किसान बहुत छोटे मात्रा में होते हैं, वो ट्रैक्टर नहीं ला सकते, कोई स्प्रे के यंत्र नहीं ला सकता है, तो ऑर्गेनिक हम जिससे बोलते हैं, अगर गाय घर पे है तो ऑर्गेनिक हो सकते, नहीं तो दार पे हमने ट्रैक्टर लाकर खड़ा कर दिया और हम बोलेंगे कि हम ऑर्गेनिक करें तो शायद ये गलत हो सकता है. तो बारीपाड़ा में कुल संपत्ति जो है, हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप कभी भी आकर देख सकते हैं. गांव संगठित हुआ तो 1100 एकड़ का वन संवर्धित किया, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा पौधे हमने बढ़ाए हैं. उसका सर्वे किया बॉटनिकल,
तो करीब 340 प्रजाति वहाँ पर मिलते हैं, 50 प्रकार के पक्षी मिलते हैं, और हमने डीप सीसीटी जिसे बोलते हैं, वो भी श्रमदान से करीब 5000 रनिंग मीटर भरेगी, उतना काम श्रमदान से बना है। तो आप कभी भी आकर जंगल देख सकते हैं, गांव वालों ने जो श्रमदान से और गवर्नमेंट ने जो भी मदद की है वो भी आप देख सकते हैं। इनका परिणाम क्या हुआ कि जो विस्थापित होते थे वो पूरे गाँव में रुक गए, और गाँव में 91 में 3-4 एकड़ इरीगेशन था, अभी 250 एकड़ से ज़्यादा इरीगेटेड है। हमारे सरपंच साहब भी यहाँ पर आए, हमारे 4-5 कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। तो वन संवर्धन, जल संवर्धन, भू संवर्धन और गो संवर्धन, हर एक के पास बैल जोड़े, 108 फैमिली का वो गांव है छोटा सा। लेकिन हमने अगला टारगेट जो किया कि ये गांव हर तरफ पर होना चाहिए, तो वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से 14 राज्यों में 14 जगह पर ये बारीपाड़ा पैटर्न शुरू है, जंगल, जल, जमीन, जन और पशुधन। जब तक ये कड़ी है, अगर जंगल रहेगा तो जल मिलेगा, जंगल जल रहेगा तो खेती डेवलप होगी, और खेती डेवलप होगी तो इंसान गांव में रहेगा, नहीं तो शहर की तरफ भागेगा, और इंसान रहेगा तो उसको आगे की जो एनर्जी है छोटे छोटे किसानों के लिए, उसको गो आधारित हम जोड़ सकते हैं। तो ये पंच सूत्र लेकर बारीपाड़ा में हम पिछले 27 साल से काम कर रहे हैं, और अभी जो नया एक कानून निकला है 2006 का, सामुदायिक वन अधिकार, इसके तहत हमने 10 गाँवों को करीब 4000 हेक्टेयर का क्षेत्र उनको दिलाया है, जो कि वो अच्छे तरह से संवर्धन कर सकते हैं। और अभी प्रस्तावित हमने 20 गांवों को, यानी करीब करीब 5000 हेक्टेयर का क्षेत्र पूरा का पूरा हम जंगल खड़ा किया है, यानी जंगल, जल, जमीन और पशुधन, ऐसे पंच सूत्र के हम काम कर रहे हैं। अभाळा एवढं मोठं कार्य आपण करता आहात पवारजी, आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने तुम्हाला सलाम आहे। एक छोटंसं रोपटं देऊन यांचा सन्मान करावा अशी विनंती मी अक्षयजींना करेन। या ना समोर या पवारजी, पटकन या। आनंदाचा क्षण सर्व गाववासियांसाठी। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, is a couple of moments away from the hotel. In the meanwhile, could I request Mr. Mrityunjay Singh, who is the Chief Executive Officer and Managing Director of Access. Hello. Good evening, everybody. So, Praful ji talked about how Sri Akshay Kumar ji has agreed to be a brand ambassador of this event that we are trying to create. And Praful ji and his team has been doing amazing work for last couple of years. And we just try to help him in whatever capacity we can. There are a couple of us who. Ankush ji is here, Revati ji is here, a lot of us. We're trying to help in you know, whatever capacity we can. This conclave, I'll give you a little bit of detail about this conclave so that you know, we can talk about what is it that we are trying to achieve in this conclave. Like Praful ji said, the narrative of India in rural area has been, you know, focused on probably the wrong things, and the focus has been more around a lot of negativity around rural India. We, you know, and when Praful ji and team started to conceptualize this and they started to talk about cases, and you saw some of the example that Shri Akshay Kumar ji talked about with Barun Singh and a couple of other people. You know, in villages, people are not looking for dole out. That is the wrong narrative to tell. I come from a village, Praful ji comes from a village, we all, you know, a lot of us have either father or, you know, grandfathers from village. Villagers are trying to find out a solution. And that's the narrative I think this conclave is set up. The conclave wants to bring people who are trying to create solution, even in a smaller manner, bureaucrats and policy makers, large change agents who are doing a large scale transformation, and also people from political establishment. And the idea is to bring everyone together on a common platform, that some of these problems that are being solved
individually in one, two, or a cluster of villages, or differently in a particular state, can be brought on a national platform. The visualization is that this platform will become an annual event where every year we will talk about new solutions and we will issue economic and social report of rural India, which, you know, interestingly, everybody calls Bharat. That's the term because that, you know, is where majority of our fellow countrymen are living. So I'll talk about the, you know, the conclave. The conclave will have, you know, three panels. Each of these panels will have representative from bureaucracy, from political establishment, change agents, and villagers who are doing this change in their own specific villages. Now, the way we are going to identify these villages, that we are trying to target roughly around, say, 50,000 villages at a minimum that we should be able to reach across India in each state. And there will be an online platform which uses internet, also a simple mechanism like a 2G telephone. And we are launching in English and Hindi to start with in next 3 days, Marathi, English, Hindi, and Marathi. Within next 3 days, it will be available in all Indian languages. So, I mean, I wouldn't say all, but at least all major Indian languages. So it will have Tamil, it will have Bengali, it will have Odia, it will have Kannada, it will have Malayalam. So all Indian languages, Northeast languages, Southern languages, you know, Punjabi in the Western part. So any farmer should be able to, you know, either through a phone, nominate themselves, and then they can get support from, you know, either fellow villagers or people that they know who can say, yes, he has done good work. And the process is that we will have a panel and an eminent jury who will select these people. And once the selection is done and we identify that this work which they are doing is actually, you know, verified and they are actually doing something good, then we'll identify a process of picking up top three in each state. And once each state has a top three, and some states maybe will have more people because, you know, like our states are disproportionate in size, like UP is much bigger state, while we also have smaller states like Sikkim maybe, which are much smaller. So we may have more representation from a particular state, but the idea is to pick up, you know, villages or villagers who are doing very interesting work in terms of changes in their community, and bring them on a panel right next to a bureaucrat who are trying, who have done some very large-scale transformation. To give an example of one of the bureaucrats that we know, Dr. Nirmaljit Singh Kalsi in Punjab, when he was an IT secretary, and I just met him for something, and he had done an app that he had created where farmers can get online advice from fellow farmers. So the app was, you can take a photo of what is right or wrong with your field, and somebody else can give you an answer to that and help you find a solution to that. And this is an online platform on a mobile phone which is already available. It's used in Punjab. But interestingly, this is not available to the rest of the India. So what, you know, what we can do is we can bring all these bureaucrats, they have solved different problems, put them on the same platform and find all these solutions which can be scaled. The other, like you know, if you have to drive policy changes, then it has to be driven by, you know, political establishment. So we do intend to bring all the politicians on this stage. So let me give you details about three panels. First panel is about rural development and youth participation, where we are trying to bring people who are doing development of the villages in the rural areas. We are trying to identify people in the age category of 18 to we actually wanted 18 to 25, but we realized that, you know, while India is a young country, we have a lot of people in the 30s who are doing a lot of good work. So the age category is between 18 to 35. And all these people who are driven change in their own villages, either through Swachh Bharat or Beti Bachao or something that they think like unique, you know, like the village that plants trees, for example, which is a very unique thing. There may not be a name for a government initiative. But if you think that this is something which will solve your problem in a particular village, and if you have done that, then we want such cases to come out and we want to identify such examples. And we want to pitch and have people from bureaucracy and political establishment sit next to them and understand what does it take to run a program like this.
And what is the value that can be derived? And we honestly think that if we can put all these stories together, we might be in a better position to help our rural areas. So that's the first this thing. The second is skilling and opportunities in rural India. It's very, you know, we presume that rural youth are all migrating to all the cities and they're becoming urban poor. But that may not necessarily be the right narrative. I have personally known and met people in rural areas who are, I know there's somebody in Haryana who is mixing jawar with the sugar cane. Okay, you know, the jawar is barley and sugar cane and creating an energy drink. And he's selling it as a organic energy drink. Now, that's something which is, you know, it's not a model, it's not a case, that nobody talks about it. You know, we know somebody in Uttar Pradesh who had, you know, increased the output of rice by almost 8 times by changing the cropping pattern. Now, why is that cropping pattern not replicated? What policies can be done to replicate that? So, you know, can they create jobs in a rural areas? Can they create new businesses in the rural India? That's the second panel. And the last panel is, you know, we want to talk about expectation of rural youth. So what is, you know, if you look at today, the access to information in rural India, thanks to WhatsApp and Facebook and a mobile device, is almost similar to an urban area. So the information about what is it that they expect is very different. We think that, you know, maybe a villager wants dole, maybe a villager wants karj maafi, but they don't want that. So the idea is to make sure what we understand as a country, what is their expectation and what do they want to achieve. And that's the third panel, and this program will be done in July 1st week. And you know, we'll hear a lot more about this. This is a precursor to that. So thank you very much. And you know, we'll call Mansi to take this forward. Thank you, Mr. Singh, for putting the New India Conclave in a nutshell for all present and also for explaining the nomination procedure in detail. Well, the Honorable Chief Minister of Maharashtra will be here any moment. हम हमारे अगले अचीवर को आमंत्रित करते हैं मंच पर जो कि है श्रीमान रंगस्वामी इलांगो जी तमिलनाडु के ग्रामीण कार्यकर्ता हैं तमिलनाडु की कुथम्बक्कन गांव को आदर्श ग्राम के रूप में आपने विकसित किया है देखते हैं एक वीडियो तमिलनाडु के कुतम्बकम गांव के रंगास्वामी इलांगो ने गांव में चल रहे गैर कानूनी शराब के धंधे को बंद कराने का निश्चय कर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी आज 57 वर्षीय इस दलित नेता ने अपने गांव में परिवर्तन लाने के साथ ही पंचायत एकेडमी के रूप में 700 पंचायत अध्यक्षों को एक साथ लेकर काम किया Rangaswamy Saab, first of all, thank you very much for coming here. And I would love to hear some views, and I'm sure everybody wants to hear, sir. I would like to know, sir, why did you left the job, your job, the job you were doing for social service? First of all, it is my own village. I was seeing the problems of the village. My job has started giving money, but every time I go to village, who will solve this? Who will solve this? That expectation was really pricking me with knowledge, with technology, with the experience. Why can't I do something? So when the new Panchayat Raj was initiated, I started using that as a chance. Otherwise, after all, I'm doing this for my own village, you know, that sort of thing. There is no meaning that I resigned the job, I gave up something, that sort of thing. Sir, it's a perfect question to ask you now. What is the impact of politics on village? No, to overcome the impacts of politics, the village level local leaders, they may be belonging to politics, but in the village, they are prepared to forget the politics. That's why in the local governments, in the Panchayat Raj system, people are above politics. Even the local leader who is a politician,
in front of the Gram Sabha, in front of the people, he's prepared to give up the politics. I mean, keep away the politics. That's why the local governments are the solutions for coming away from the impact of the politics. Oh, they're away from it. Yeah. So what improvement can be done in Panchayat Raj, according to you? In fact, now, using the Panchayat as a local self-government, in fact, my work in my village, we are trying to build this village as a model for A to Z development. Whether we accept or not, villages are self-governing unit. The real value materials like rice, water, eatables, everything is available in the village. But unfortunately, we are always focusing, villages are poor. Villages are not standing on their own. Actually, villages are standing on their own. Whatever is to be, whatever is to be added, add it and make it a strong point. That's why I use all my scientific knowledge, A to Z. It may be for anything. It may be for agriculture, water harvesting, water management, roti, kapda, makan, all the things. Only thing is the phenomenal improvement, the phenomenal input has to come from outside. Mm-hmm. And we can really build a villages as model for Gram Swaraj. That's what the 73rd Amendment, that was the dream of the Gandhi. That's why at least in this 150th year of Mahatma Gandhi, mm-hmm. let us take the lead like building Gram Swarajes, independent villages, self-sustaining villages, the confidence, building the confidence of the village community by adding the outside support, we can really build the model villages. Has your family supported you throughout? Interestingly, I gave up the job. My wife has started going for a job. She was helping my children and taking care of the children. I mean, in fact, village... So that's a big support. It's a very big support. It's a big support. Right. Yeah. So, well, thank you very much for coming here and enlightening us and telling us so many ideas. Thank you very much. Another inspiring story in Mr. Ilango, who has quit his job and returned to the village. Ladies and gentlemen, it gives me immense delight in extending a very warm welcome to the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendraji Fadnavis. An inspiration for youth both from the rural areas as well as urban cities. He has adopted 1,000 villages, and in support with the cooperation of corporate houses, he is turning them into prototypes for the rest of the nation to follow. An inspiration by himself. Welcome, sir. And now, Devir Sajjano, हमारे साथ हैं श्रीमान तनय चक्रवर्ती, जो कि NEEDS NGO के संस्थापक हैं, झारखंड में लखपति किसान संकल्पना पर आपने काम किया है, काम कर रहे हैं. मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूं और देखते हैं एक वीडियो. तनय चक्रवर्ती जी को रूरल डेवलपमेंट में मास्टर्स डिग्री प्राप्त है और पिछले 34 सालों से वे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं. झारखंड के आदिवासी इलाके में काम कर रहे तनय चक्रवर्ती जी ने लखपति किसान का कॉन्सेप्ट शुरू किया और उन्होंने अभी तक 2,500 से ज्यादा गरीब किसानों को लखपति बनने में मदद की है. तन्मय साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आप ये जो आपने आपको जो नीड्स संस्था आपने जो शुरू की है, ये आपने आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कैसे सोचा इसको मैं शुरू करना चाहिए? इसकी क्या नीड थी जो आपने ये शुरू की? हम लोग झारखंड में, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, झारखंड में जो आप जितनी गरीब डिस्ट्रिक्ट है जी पूरे भारत में, उसमें मैक्सिमम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है. और झारखंड की आर्थिक स्थिति ऐसे है, आप जानेंगे कि लोग पलायन करके, जैसे पहले कोलकाता जाते थे, फिर महाराष्ट्र मुंबई आने लगे और अभी गुजरात वगैरह जाते हैं, तो आप गांव में देखेंगे कि पूरे गांव के गांव सबके दरवाजे में ईंटे लगे हुए हैं. तो हम लोग बोलते थे कि उसका घर में ईंटा लग गया. ईंटा लग गया माने पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई और वो दरवाजे में ईंटा लगा देते थे, क्योंकि बहुत गरीब मिट्टी का ये है.
वैसे पलायन करते थे और स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो हम लोग उस क्षेत्र में काम करते थे, तो बीच में एक ऐसा स्थिति आया कि भारत सरकार की एक प्रोग्राम में, HRD मिनिस्ट्री का वो स्किल ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम में हम एज ए डायरेक्टर हम जॉब कर रहे थे। तो हमारे सभी साथी लोग जो लोग थे सभी सोचते थे कि नहीं, हम लोग इस तरह का काम अपने से करेंगे, अपनी NGO की तरफ से। तो हमारे मित्र जो मुरारी चौधरी एक हैं और हम लोग दोनों मिलके हम लोग इस तरह का ये नीड्स NGO को शुरू किए और ये काम शुरू कर दिया, स्पेशली फोकस टू झारखंड और उस समय बिहार का भी कुछ पार्ट। सर आपने कितने किसानों को लखपति बना दिया अभी तक? अभी तो यहाँ 2500 देखे, अभी वो 3000 से ऊपर चला गया। तो आपको लगता है ये जो लखपति का जो तरीका है, लखपति किसान, ये पूरे देश में लागू हो सकता है? हाँ, ये पूरे देश में लागू। हम लोग तो उसका ऐसा ये कर रहे हैं कि जोड़ते हैं, वो अगर 10 रुपये का आज टमाटर बेचा तो उसको भी जोड़ते हैं। बहुत छोटे छोटे किसान, मैंने आधे एकड़ का किसान है और झारखंड में सिंचित जमीन नहीं है, 6.5% सिर्फ पूरे झारखंड का सिंचित है। हमारा बहुत ऊंचाई वाला लोग रहते हैं, करीब 57% स्लोप है और सॉइल मॉइस्चर बहुत ही कम है क्योंकि वो सारा पानी बह जाता है। तो वैसे क्षेत्र में हम लोग को भी हम लोग सक्सेस करते हैं, कहीं भी हो सकता है। जो अभी प्रधानमंत्री जी का ये है कि किसान का उपज को दुगना कर देना, वो तो हम लोग कहीं भी, अभी हम लोग जो 7000 किसान के साथ शुरू किए थे वो हो सकता है इस साल पूरे रबी तक में वो 7000 पूरा हो जाएगा। उसको देखकर हम लोगों को दूसरे कॉरपोरेट जो CSR जैसे HDFC बैंक से भी हम लोगों को ये हुआ है, तो वो भी हम लोगों को फिर और 6000 किसान को और जोड़ने के लिए कहें, वो इस साल हम लोग स्टार्ट किए हैं। सर आप नक्सलवादी इलाकों में काम करते हैं, हमारा तो आपके परिवार को चिंता नहीं होती? नहीं, वो नक्सलवाद वैसे जैसे 24 जिले में 16 जिला नक्सलवादी हैं, जो 115 जिले एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है उसमें 16 नक्सलवादी डिस्ट्रिक्ट हमारे झारखंड में है, हाईएस्ट है पूरे देश में। लेकिन हम उनके साथ काम करते, वो मजबूरी में बंदूक उठाते हैं, 10000 रुपये के लिए बंदूक उठाते हैं, लोगों को मारते हैं, उनके पास रोजगार नहीं। अगर वो रोजगार करेंगे, उनके पास सपना नहीं है कि कल को कैसे हम अपने बच्चों को ये करें। लोग तो आप उनको रोजगारी बताते हैं? हाँ, हम उनको जैसे उनके पास आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है, हमने उनको कहा, एक कुछ लोग जो लखपति बन गए, हम तो सारी महिलाओं के साथ काम करते हैं, हमारे सभी महिलाएं हैं, सभी आदिवासी महिलाएं हैं। जब हमने कहा कि देखो तुम लखपति बन जाओगे तो तुम्हारी बेटी का तो दहेज का रेट बढ़ जाएगा, तो वो बोलती हैं कैसे बढ़ेगा, हम उसको कॉलेज तक पढ़ाएंगे, अभी मैट्रिक दे रही है परीक्षा। तो वो जो सपना उनके बीच में आया कि हम अपनी बेटी को शिक्षित करेंगे और कॉलेज तक पढ़ाएंगे, और हम सबको एक सपना हम लोग जोड़ रहे हैं, सारी महिलाओं का एक सपना है कि सभी को जो भी लखपति बनेंगे उनको सारी आदिवासी महिलाएं स्कूटी खरीदना है और स्कूटी चलाना, तो इस तरह का आप वो बताइए ना, जो आप सबको बताइए सर, वो जो महिला स्कूटी खुद चलाती हैं, हाँ, पीछे बच्चा रख के, पीछे बच्चा को कपड़े से बांध लेते हैं। आप जानते हैं संथाल ट्राइब जो है हमारे झारखंड में, 32 ट्राइब है, उसमें सबसे बड़ा ट्राइब है संथाल, और बहुत छोटे छोटे ट्राइब भी है जो प्रिमिटिव ट्राइब है, 8 ऐसे ट्राइब है जो प्रिमिटिव घुमंतु अब इस पहाड़ में आज है, तो 12 साल के बाद फिर उस पहाड़ में आएंगे। हम लोग जानते हैं कि कौन किस पहाड़ में आएंगे 12 साल के बाद, क्योंकि वो यहाँ से जाकर दूसरे पहाड़ में जाते हैं, फिर वो 4 साल के बाद वापस दूसरे पहाड़ में जाते हैं। तो वो सब एरिया में हम लोगों के यहाँ कोई वो माओवादी या जो भी है इंसर्जेंस, सब कोई जानते हैं कि ये लोग सही काम करता है। जी बिल्कुल। एक बार हमारे पास ये 1986 में वो पोस्टर लगा दिया था उस समय के रेट में कि 3 लाख रुपया आपको देना, नहीं तो गांव में नहीं जाना है। तो सारे लोग घबरा गए, जैसे अभी आप गए मेरे घर वाले से लेके सारे, तो हम लोग बोले कि भाई वो क्या काम है, लोगों को मैसेज भेजे कि भाई वहां तो हम काम करते हैं, क्यों आप ऐसा हो रहा है। तो करीब करीब एक महीना के बाद जिससे मैसेज भेजे थे उसको बोले कि अरे यार तुमने क्या किया, कुछ बात नहीं हुआ? तो फिर वो बोला 3 दिन और रुक जाइए सर। तो हम बोले अरे एक महीना से तुम बोल रहा है ऐसा, 3 दिन रुकने से क्या हुआ? फिर वो कुछ दिन के बाद आया, बोला कि नहीं सर जाइए आप, कुछ नहीं होगा। हम बोले अरे ऐसा तुम्हारे बोलने से क्या हुआ, तुम तो एक अदना सा लड़का है। तो बोला नहीं, आपको एक महीना से वो वाच कर रहा था, तो वो कह रहा है कि आपका तरीका अलग है और इनका तरीका, मैंने जैसे हम कहते हैं कि हम लोग गांधीवादी तरीके से चलते हैं और वो लोग भाई दूसरे बिन लादेन वाले तरीके से चलते हैं, मारो और काटो और ये करो, तो वो तरीका उनका है, तो हमारा अलग तरीका है। तो वो लोग हमको बुलाए मीटिंग में
और कहे कि देखिए जब मेरी हम लोगों की सरकार आएगी तो आपको इस तरह से काम करना होगा। हम बोले यस, जब आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग अभी जो काम कर रहे तो उन लोगों के बीच में भी हम लोगों का। कर्ण साहब, आप जानते हैं कि आपका ये जो मैंने आपका बारे में करीबन 4-5 दिन पहले पढ़ा था, ये लखपति किसान, लखपति फार्मर, आप जानते हैं मैं इसके ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ। ये जो टाइटल है लखपति, नहीं नहीं सच कह रहे हैं, आपको सच कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि हम बताना चाहते हैं अपने किसानों को कि ये बहुत मुमकिन है जो आप करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम तो चाहेंगे। और वैसे भी आपको बताऊं कि ये जो नाम है लखपति फार्मर, ये तो पैसे के साथ, बट असली में नाम है लक, LUCK, लखपति फार्मर्स, बिकॉज अगर हमारे फार्मर्स लखपति होंगे तो हमारी देश की लक ऊपर बढ़ेगी। And that is the most important thing. Thank you very much, Tanmay sir. आपसे बात करके बहुत। आप साथ में रहेंगे तो हम अभी जो 16 लाख अभी इससे साथ क्या रहा? मतलब मैं पिक्चर बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। हम पूरे देश में इसको फैला देंगे। झारखंड को तो आगे। जी वो बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Well, Akshay ji has almost given away the name of his forthcoming film. Is that right? बिल्कुल। Well, तो ये थी 3000 से ऊपर किसानों को लखपति उन्होंने विजिट किया। ये पहले मजदूरी करते थे और पूरा परिवार साल भर में 25,000 रुपए कमाता था और बाद में खेती करने लग गए। ये जो परिवार आप देख रहे हैं नीड्स के साथ जुड़कर जब खेती करने लगे तो इनकी आय बनी साल की 3.5 लाख रुपए। आई थिंक वी शुड यस, थैंक यू सो मच। आणि आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मी विनंती करेन की त्यांनी कृपया मंचावरती आसनस्थ व्हावं। एक अतिशय प्रेरणादायी असं उत्तुंग व्यक्तिमत्व, शहरी भागातील युवा त्याच्यासोबतच ग्रामीण भागातील युवांना एक प्रेरणास्थान म्हणता येईल असं। 1000 गावांना आपण दत्तक घेतलेलं आहे आणि विविध कॉर्पोरेट्सच्या सहकार्याने हा प्रोटोटाईप बनवून बाकी देशांनी तो अनुकरण करावं असा प्रोटोटाईप बनवण्याची आपला मानस आहे। मी श्रीयुत मुनीर मेननजी, जे आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्रॅमचे डिरेक्टर संचालक आहेत आणि AKDN काउन्सिल फॉर इंडियाचे व्हाईस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष आहेत, त्यांना विनंती करेन की त्यांनी एक सॅपलिंग देऊन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी स्वागत करावं। Khan Foundation is one of the supporting institutes for New India Conclave, and time now to launch the anthem of New India Conclave. I would request the Honorable Chief Minister of Maharashtra along with Akshay ji to kindly do us the honors. Can we have the iPad please? दिल हम की मेहनत
which was as inspiring as the initiative. Sorry for keeping both you gentlemen standing, but then we will say that you are standing for a good cause in our support. I would also request all of us to repeat the tagline, Ab Bari Hai Hamari, in a loud voice with all of us. Let us cheer to that. Ab Bari Hai Hamari. Thank you so much for your cooperation. Time now to launch the portal, and this will be quick, I assure you. Please. Please take your seats. मंडळी अतिशय अभिमानाची बाब आहे की सामाजिक जबाबदारी जे आपल्या पर्सनल आयुष्यात निभावतात त्याप्रमाणेच आपल्या वेगवेगळ्या फिल्म्समध्ये मूवीजमध्ये चित्रपटांमध्ये असे आशयघन विषय देखील निवडतात असे एक संवेदनशील व्यक्तिमत्व अक्षय कुमारजींच्या रूपामध्ये न्यू इंडिया कॉन्क्लेव्हला ब्रँड अम्बॅसेडर रूपात लाभलेला आहे सामाजिक प्रबोधनाचे विषय ते हाताळतात आणि त्यांच्या सर्व फिल्म्स आत्ताच येऊन गेलेले पॅडमन आणि टॉयलेट दोन्हीही हिट झालेले आहेत आणि यावरूनच आपल्याला समजतं की त्यांचं युवा वर्गामध्ये जे फॅन फॉलोईंग आहे ते किती प्रचंड आहे तर मी अक्षयजींना विनंती करेन की आजच्या या महत्त्वाच्या आणि तितक्याच आनंदाच्या क्षणी सर्वांना संबोधित करावं युअर ड्रेस प्लीज been addressing since when we heard you talking ma'am and, I've been addressing now it is first time I've been addressing I've spoken about it but thank you very much for making me a brand ambassador and I was appointed I think it's an honor to do this and I hope I mean say they you guys make use of me more and it's just not a photograph and that's it and if I can do some work also more and more that'll be my honor thank you so much for your gracious presence all this while देवीर सज्जनों हमारा सौभाग्य है कि आज के इस खुशी के अवसर पर और उतने ही अहम अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस हमारे बीच उपस्थित है मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि सभी को संबोधित करें हमारे बीच उपस्थित इस नव भारत की संकल्पना को जो आगे ले जा रहे हैं ऐसे केवल अभिनेता ही नहीं तो जिनको हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर कह सकते हैं ऐसे अक्षय कुमार जी यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने ग्राम परिवर्तन में अपने अपने स्टेट्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाई ऐसे सभी महनीय व्यक्तिगण Y4D के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले आप सभी को महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज ये जो न्यू इंडिया कॉन्क्लेव लॉन्च हो रहा है और अक्षय जी जैसा ब्रांड एम्बेसडर जिसके लिए प्राप्त हुआ है मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी पहल है हम सभी लोग जानते हैं कि आज बहुत चीज़ें बदल रही है देश के अलग अलग भागों में लोग बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव काम कर रहे हैं कई बार हम लोग बड़े निराश होकर कहते हैं कि क्या चीज़ें बदलेगी तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को हमने पूछना चाहिए कि क्या चीज़ें हम बदलेंगे और जब ऐसे सारे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने शून्य से काम शुरू किया है और एक नई दुनिया को निर्मित किया है इस प्रकार के लोग अगर इतना परिणाम साध सकते हैं इतना ट्रांसफॉर्मेटिव कार्य कर सकते हैं तो हम सारे भारतीय अगर इसी दिशा में आगे बढ़े तो भारत को बदलने में समय नहीं लगेगा और मैं ये मानता हूँ कि आज
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेटिव एटीट्यूड हमारे बीच तैयार किया है, मैं अगर महाराष्ट्र की बात कहूँ तो स्वच्छ भारत अभियान जो हमने 3-3.5 साल पहले स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के रूप में शुरू किया और हमारी स्वतंत्रता के 67 साल के बाद महाराष्ट्र की 1,10,00,000 परिवारों में से 50,00,000 परिवारों के पास शौचालय था और 60,00,000 परिवार ऐसे थे कि जिनके पास शौचालय नहीं था। पिछले 3 वर्षों में उन पूरे 60,00,000 परिवारों को शौचालय देने का काम महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से हमने किया। तो जो काम 67 साल में हुआ उससे ज़्यादा काम 3 सालों में हम कर पाए, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लोगों ने प्रेरणा ली और उस काम को अपना काम बनाया। अपना कार्य बनाकर जब एक जनभावना तैयार होती है तभी परिवर्तन होता है। महाराष्ट्र में हमने जलयुक्त शिवार जैसी योजना को कार्यान्वित किया और आज अलग अलग प्रकार से ये योजना जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में वाटर लेवल बढ़ा रही है और करीब महाराष्ट्र की वाटर लेवल 5 मीटर तक बढ़ी और 3 साल के सूखे के बावजूद मराठवाड़ा जैसे इलाके में वो 3 मीटर से बढ़ी, तो इसका कारण यह है कि लोगों का सहभाग इसमें बड़े पैमाने पर हुआ और इसके माध्यम से आज बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक ये अलग अलग काम करने वाले जो लोग हैं इनको समाज के सामने हम नहीं लाएंगे, इनके कार्यों की एक क्षमता है लेकिन अगर इनके साथ हम जुड़ेंगे तो क्षमता दुगनी होगी। आज जब अक्षय जी जैसा कोई व्यक्ति इनके कार्य को कम्युनिकेट करता है तो जो काम ये 1 साल में कर सकते हैं या 1 साल में जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं उससे 5 गुना लोगों तक ये 1 महीने में पहुंच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग मिलकर जब इन कार्यों से जुड़ेंगे, आज महाराष्ट्र में हमने सोशल विलेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया तो ये तय किया कि हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर को साथ में लेकर एक इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू करेंगे कि जिसमें महाराष्ट्र के 1000 गांव जो सबसे लो HDI के हैं, आदिवासी गांव है, दुर्गम भागों में बसे हुए गांव है जिसका HDI सबसे लो है, ऐसे 1000 गांवों को हम देश के सर्वोत्तम गांव बनाएंगे। हमारे पोपट राव जी पवार यहां पर है जो आदर्श ग्राम योजना सरकार की चला रहे, कई ग्रामों को उन्होंने आदर्श बनाया और इस योजना के तहत हमने कॉरपोरेट्स को साथ में लिया और इसका मूल तत्व ये रखा कि हमको कोई गांव सुंदर करना नहीं है या गांव में सारा कंक्रीट का जंगल करना नहीं है, तो गांव के जो पैरामीटर्स है उसको हमको चेंज करना है, किसानों की आय को दुगना करना है, गांव में मोर्टैलिटी का जो रेट है मैटरनल मोर्टैलिटी का रेट होगा, इन्फेंट मोर्टैलिटी का रेट होगा, ये सारे पैरामीटर्स पर HDI के जितने पैरामीटर्स है इसमें देश के जो सर्वोत्तम पैरामीटर्स है उससे भी अच्छे पैरामीटर इन लो HDI गांव के हम कर सके। और इस दृष्टि से केवल 2 काम हमने किए। पहला काम सरकार की ही सारी चालू योजनाएं जो है इन योजनाओं को वहां तक पहुंचाना और उसमें गैप फंडिंग के रूप में जो कॉरपोरेट्स है उन कॉरपोरेट्स को इन्वॉल्व करके उनकी एक्सपर्टीज उनकी एफिशिएंसी इसको साथ में लेकर ये गैप फंडिंग भी करना और उनकी एफिशिएंसी को उनकी टेक्नोलॉजी को उसमें यूज़ करना। और इसके लिए हमने तय किया कि बड़े पैमाने पर ये ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे दूत गांव में 3-3 साल तक रहेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जब हमने इसके बारे में उनके ट्रेनिंग के लिए एक ऐड निकाली और कौन आना चाहते, बड़े अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां जो कहीं नौकरी कर रहे थे कहीं अच्छा काम कर रहे थे पढ़े लिखे बिल्कुल, वो प्रेरणा लेकर कि भाई हम अपना काम छोड़कर 3 साल देने को तैयार, हम 2 साल देने को तैयार है, हम गाँव में जाकर रहेंगे। और आज 350 इस प्रकार के दूत गाँव में जाकर रह रहे और 150 लोग और जाने वाले हैं और 1000 गांव में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग आने वाले 1 साल में, अभी 1 साल हो गया और 1 साल में हम इसको करेंगे और उन गांव को देश के सर्वोत्तम गांव में हम लोग परिवर्तित करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जिन लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, अक्षय जी आपने, उन सबसे बहुत हम सीख सकते हैं और उनके आइडियाज़ भी हम इसमें डाल सकते हैं और सब लोग मिलकर अगर तय करें
तो मुझे लगता है कि ये जो टास्क है भारत को नव भारत में ट्रांसफॉर्म करने की, कि जिस भारत में किसानों की आय दुगनी हो, जिस भारत में बेरोजगारों को स्किल ट्रेनिंग मिले, उनको रोजगार मिले, जिस भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं सब तक पहुंचे, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म आज तैयार हुआ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। मैं आज जो लोग अलग अलग अपने राज्यों से पधारे हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनके काम को मैं सलाम करना चाहता हूँ, और हम सब लोग मिलकर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग एक नव भारत के निर्माण में करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने अपने कार्य का आलेख संक्षिप्त रूप में सामने रखा, साथ ही बहुत ही कम समय में जो जलयुक्त शिवार एक्विस फार्म्स की जो योजना है उनकी उपलब्धियों में बारे में बतलाया, अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए, सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल नाउ ओपन द फ्लोर फॉर मीडिया इंटरैक्शन। वी हैव अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफोन्स, काइंडली रेज योर हैंड्स, आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड ऑल्सो हु यू वुड लाइक टू एड्रेस योर क्वेश्चन टू। मीडिया इंटरैक्शन इज ऑफ अक्षय, नॉट माइन। Oh well, all right. Yes, can we please pass the microphone, please? Yeah. Sir, namaskar. मैं संदीप सिंह, ANI से। सर, बहुत गर्व महसूस होता है कि जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं और देश के लिए एक पहल करते हैं और हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सर, एक सवाल है, पैडमैन देखी, टॉयलेट देखी। सर, एक कॉज था, कॉज ये था कि आप अपनी पत्नी की पीड़ा को समझे, आपने देखा कि टॉयलेट की समस्या है, आपने देखा कि सैनिटरी पैड्स की समस्या है। सर, कुछ दिनों से ट्विटर पे आपके रुस्तम मूवी में जो आपने वर्दी पहनी है उसकी नीलामी की पे ट्रोलिंग वगैरह हो रही है और बहुत भद्दे भद्दे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं आपके फेवर में। कल मैं रज़ा मुराद साहब से भी मिला था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो आपके साथ हैं और बहुत सारे लोग आपके फेवर में भी हैं। इस विषय पर क्या आप ट्विंकल मैम के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली खड़ा हूँ। मतलब क्या जी, ऐसा है, I know you, everybody will like to ask him a lot of questions, but it will be good, that will help us on our cause also. Otherwise, his time which we are getting, which is very costly, we'll lose that time actually. So I request again, please stick to the question. Okay, the answer is, sir, ye maine aur meri biwi ne एक कार्य किया है, दिल से किया है और अच्छे कार्य के लिए किया है। और ये मेरा फिल्म में अंदर कॉस्ट्यूम था, जो यूनिफॉर्म पहना था अंदर, और ये किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा है। मुझे नहीं लगता है हमने कोई गलत किया, और अगर किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। We will take only two more questions and then the organizers and all the other mentors are here with you. Please stick to the conclave topic because his time is costly and we are getting that time, we want to utilize that time for our cause. Akshay Kumar ji, main India CSR news network run karta hu. Main gramin bharat se aata hu, main Chhattisgarh mein Raigarh mein rehta hu aur wahan se main apna network chalata hu aur India's largest CSR news network chalata hu. मैं जो गरीबी है ग्रामीण भारत में उसके बारे में किसके किस तरह एड्रेस किया जाए इस सभा के माध्यम से, मैं उस पर आपके विचार मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही कहता हूं, देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं सल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे सल्यूशन अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मैं फिल्में भी बनाता हूँ, मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई, उसके अंदर मैंने सोल्यूशन की बात की कि शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, अपने घर के अंदर अपनी बीवी के लिए शौचालय बनना बहुत ज़रूरी है।
मैंने पैडमैन बनाई, उसके अंदर भी मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, सब उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे वो स्क्रिप्टें पसंद नहीं हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम की बात हो। मुझे ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं कभी कभी कई चैनल्स खोलता हूँ, देखता हूँ कि फलां फलां जगह पे ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब प्रॉब्लम की बातें होती हैं। आई विश इन माई लाइफ हमें से कि कोई ऐसा चैनल खुले जो कंटिन्यूसली सोल्यूशन की बात करे, बस ये बताए कि एग्रीकल्चर में इसका सोल्यूशन ये है, टॉयलेट में ये सोल्यूशन है, बाकी सब चीज़ों में ये सोल्यूशन है, पूरा 24 घंटे सोल्यूशन बताए। बिकॉज व्हाट वी रिक्वायर इन आवर कंट्री इज सोल्यूशन, नॉट प्रॉब्लम। व्हाट अ पॉजिटिव पर्सन आर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आप पूछें, वाइज मैन। Akshay, brilliant to see you interacting with such achievers in life and, you know, bringing out their real stories in front of the audience. You spoke about your idea of you having an idea to make a film on farmer's life. If at all you end up making a movie out of it, what are the kind of challenges and what are the kind of solutions that you will give out through a movie that will help masses understand the problems? Well, I'll be talking to all these fellows. There will be so many other people I'll be talking to, and I'm looking for a nice subject which I can make and talk about it. As I told you, I love the solution of having a girl child when they are born home. घर पे एक बेटी आती है तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं। What a solution! What a solution! मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर ये बात पूरे भारत देश में एक हो जाए कि लड़की पैदा हो 111 पेड़ लगेंगे, तो सोचिए आप, हमारे देश में ये जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, रेन की, और ये सब गर्ल चाइल्ड की, मुझे लगता है इनका गांव अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है इनके यहाँ बेटी बचाओ नहीं होगा, बेटा बचाओ हो जाएगा एक दिन। तो एंड सो आई एम लुकिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच आई कैन कंपाइल। इट्स आई टेल यू, इट्स अ वेरी हार्ड वे टू मेक अ सब्जेक्ट विच इज एंटरटेनिंग as well as just pass on the message. It's not an easy job to do that. So I'm still waiting, but I've already got a lovely, kya kehte hain, film ka title, Lakhpati Kisan. Akshay ji ka tah dil se shukriya ada karna chahti hoon. Also profusely thank the Honorable Chief Minister of Maharashtra. On behalf of the organizers, I express immense gratitude to both you gentlemen. The rest of the media can remain seated. We will have interaction with the organizers and achievers immediately after this. Iske turant pashchat ayojak evam hamare mentors ke saath